हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gtmodplace.com यूट्यूब चैनल और gtmodplace.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं gtmodplace.com यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई सिटी स्पोर्ट्स कार के बारे में, कि हमने उसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसको प्ले करना है, वो भी अपने लो एंड और हाई एंड पीसी दोनों पर। सो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल gtmodplace.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने डाउनलोड कैसे करना है स्पोर्ट्स कार पैक को। डाउनलोड का मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, आपने क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और आप ये कोर्स कार्स वगैरह देख सकते हैं। और स्क्रॉल करने के बाद आपको लिंक्स के आगे क्लिक हेयर मिलेगा, आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे यहाँ आपने जस्ट 10 सेकंड वेट करना है। जैसे ही आपके पास 10 सेकंड कंप्लीट होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल ड्राइव पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आपने जस्ट डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, डाउनलोड एनी वे पर, और उसके बाद आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। जब आपके पास डाउनलोड हो जाए कुछ इस फाइल में आएगा, आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट पर क्लिक किया हमारे पास जो है वो एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। जब आपकी एक्सट्रैक्टिंग कम्प्लीट हो जाए आपने फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको कुछ फाइल्स मिल रही होंगी, आई थिंक 5 फाइल्स हैं। आपने सबको सेलेक्ट करना है, कट कर लेना है और कट करने के बाद जहाँ आपकी गेम इंस्टॉल है आप वहाँ पर पेस्ट कर दें इसको। आप इसको किसी भी मोडेड गेम में जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस मोड को यूज़ कर सकते हैं, आपकी सारी कार्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास कार्स पैक जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जस्ट GTA VC पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें, यस करें और आपकी गेम जो है वो रन हो जाएगी।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtmoteplace.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं।